तो हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूँ आपको। द लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो बाकी चार पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको जरूर देखने चाहिए। चार पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और आपके लिए नॉलेजेबल होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना लास्ट में, ठीक है। और बाकी ये हमारे कुछ सपोर्टर्स हैं, थैंक्स फॉर दीज ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स एवरीबडी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस, ठीक है। तो आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, जो हमारा ये पेट्रिडो फाइटा है ना, पेट्रिडो फाइट है, इसको दो दो इसके दो पार्ट्स हैं। क्या है, दो पार्ट्स हैं। ये देखो पहला आएगा इसका, ये आपका लाइकोपोडो फाइटा है, और दूसरा है आपका एंथ्रोफाइटा, ठीक है। एंथ्रोफाइटा ये दो हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ इसमें, देखो पेट्रियोटोफाइट में सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर ये समझाता हूँ कि जो लाइकोपोडोफाइटा है ये क्या है। देखो लाइकोपोडोफाइटा ये है ना, प्लांट की सारी स्पीसीज हैं, प्लांट्स के टाइप हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं ये। तो देखो मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ आपको फाइट मिले तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, प्लांट कहेंगे। देखो कौन से प्लांट होते हैं ये, मल्टी सेल्युलर टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वस्कुलर टिश्यू। क्या होते हैं ये, मल्टी सेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं ये मल्टी सेल्युलर, एक से ज्यादा सेल्स होती हैं इसके अंदर, और टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। जल्दी से बताइए टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं जो सॉइल में क्या होते हैं, सॉइल में उगते हैं, मतलब सॉइल में ग्रो करते, सॉइल पर ग्रो करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो वस्कुलर टिश्यू होता है इनके अंदर। बेटा यहाँ वस्कुलर टिश्यू लिखा तो है, व्हाट इज व्हाट वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, देखो वस्कुलर टिश्यू के दो एग्जाम्पल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है ना और कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इनका क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। जाइलम और फ्लोएम आर द एग्जांपल्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगली लाइन में क्या है, यहां पर हैविंग रूट स्टेम एंड लीव्स। इनके अंदर क्या होता है, रूट स्टेम और लीव्स होता है, जैसे कि आपने फोटो में भी देखा है कि किस तरीके के ये प्लांट है। और देखिए यहां पर क्या है, पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव्स। भाई देखो एक्सिल्स क्या होता है, जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, एक्सिल्स ऑफ द लीव्स। सबसे पहली बात बेटा एक्सिल्स होते क्या हैं, एक्सिल्स होते मान लीजिए ये स्टेम है, यहां पर ये वाला जो गैप है ना, ये वाला, इस गैप को हम बोलेंगे एक्सिल, ठीक है। इस गैप को एक्सिल बोलेंगे, और आपको यहाँ इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये होता है, और देखो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो जाते हैं, देखो क्लब मोसिस हो जाएगा आपका, स्पाइक मोसिस हो जाएगा, और किलवॉर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये है बेटा, ध्यान से पढ़ो इनको, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, बिल्कुल शॉर्ट कर रखे हैं। इसको नोट करो वीडियो पॉज करके, और कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, जो बातें इंपॉर्टेंट है उनको लिखा करो फटाफट, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो यार, एकदम जैसे पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ो, आमने सामने का एकदम मुकाबला है सबका। अब क्या देखो यहां पर एंथ्रोफाइटा की बात करते हैं, तो देखो ये दूसरा पार्ट है इसका, एंथ्रोफाइटा क्या होता है, ये मल्टी सेल्युलर प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं ये, मल्टी सेल्युलर मतलब एक से ज्यादा सेल होती है। सिंपल देखो याद करने का तरीका क्या है, ये देखो लाइकोपोडोफाइटा और एंथ्रोफाइटा में क्या है, दोनों में ही ये क्या है, कॉमन बात है कि मल्टी सेल्युलर है ये दोनों, और दोनों के अंदर वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। इसको तो समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो क्या है, अपराइट स्टेम। बस क्या होता है, इनकी स्टेम कैसी होती है, अपराइट, ऊपर की तरफ स्टेम होती है, ऊपर की तरफ, ठीक है, अपराइट। और क्या है, ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड ब्रांचेस, मतलब कि ये क्या है, ग्राउंड से डायरेक्ट ब्रांचेस बनती हैं इसकी, ठीक है, अपराइट होता है, जैसा कि आपको इमेज में भी देखने को मिल रहा होगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए क्या है, प्लांट बॉडी, जो इसकी प्लांट बॉडी है, डिवाइडेड इंटू, प्लांट बॉडी किस किस में डिवाइड है, रूट्स में, स्टेम्स में, और क्या है ये लीव्स में, है ना, होल्ड लीव में डिवाइडेड है। मतलब कि ये कैसी होती है लीफ, ये देखो नीडल लाइक लीव्स, एकदम सुई की तरह लीव्स होती हैं इसकी। कैसी होती है, सुई की तरह लीव्स होती हैं, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कहाँ मिलते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, देखो फाउंड इन वेट एंड सोम्पी सॉइल, फाउंड इन वेट एंड सोम्पी सॉइल, मतलब कि गीले एरिया में और सोम्पी सॉइल, सोम्पी सॉइल, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी सोम्पी सॉइल। जल्दी से बताइए सोम्पी सॉइल कैसी होती है, कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है। और देखो ऑकर इन ऑल लैंड मासेज, ये क्या होते हैं, ये जो है ना हमारे ये वाले एंथ्रोफाइट जो होते हैं, ये आपके कहां पर, ऑल लैंड मासिस में होते हैं, और एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारी लैंड मासिस में पाए जाते हैं, जितने भी हमारी कंट्रीज हैं, जितनी भी लैंड है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे के पार्ट, तो आइए समझते हैं पेट्रोफाइटा को। पेट्रोफाइटा क्या होते हैं, सेम उसी की तरह जो मैंने पहले अभी बताए थे दोनों, ठीक है, ये किसकी तरह है, उन्हीं की तरह ही है। देखो क्या हो गया तुम्हारा, ये मल्टी सेल्यूलर
प्लांट होते हैं और ये मस्कुलर टिश्यू होता है इनके अंदर, ठीक है। और देखिए क्या होता है, कंटेन स्पोर्स फॉर कंटेन स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, इनके अंदर क्या होते हैं स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और क्या विच प्रोड्यूस, और ये जो स्पोर्स होते हैं ना ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ये होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर। लीफ का जो लोअर सरफेस होता है ना, मान लो ये लीफ है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इस ये किनारी किनारी पर है ना, या तो फिर क्या है ये सॉरी यहाँ पर ये, या तो मार्जिन पर, मार्जिन होता है ये वाला, यहाँ पर ये स्पोर्स बनते हैं जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, बॉडी डिफरेंशिएट, इनकी बॉडी किससे डिफरेंशिएट होती है, रूट्स स्टेम और लीफ से, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या सीड आर नॉट प्रोड्यूस्ड, इनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते, बस यही इनकी खासियत है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पेट्रोफाइटा ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की, इसका पहला ए पार्ट में आपको बता चुका हूं, बी पार्ट में देखिए क्या होता है इसका, क्या है स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स कौन से होते हैं, देखो इनके ये क्या होते हैं सीडिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, कौन से सीड वाले प्लांट होते हैं स्पर्मेटोफाइटा, कौन से होते हैं सीड प्लांट होते हैं, ये दो इनको है ना दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। ये हो गई आपकी, ये पहली वाली हो जाएगी जिम्नोस्पर्म, दूसरी हो जाएगी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके बारे में समझो, जो जिम्नो होता है ना, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, क्या होता है जिम्नो का मतलब नेक्ड होता है, और स्पर्म का मतलब, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, और यहाँ पर एनजी, एनजी का मतलब होता है एनक्लोज्ड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्पर्मेटोफाइट का, पहला वाला जो हमने इसका ये देखा था पार्ट वो वाला, इसके बारे में बात करेंगे हम जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म देखो क्या होता है, इसके भी है ना दो पार्ट होते हैं, जिम्नोस्पर्म के भी दो पार्ट होते हैं, वो क्या है देखो है ना, एक तो है काइकेटोफाइटा, काइकेटोफाइटा हैगा एक, एक काइकेटोफाइटा है और दूसरा है फेरोफाइटा, दूसरा है इसका कॉनिफेरोफाइटा, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देखिए क्या होगा, ये काइकेटोफाइटा काइकेटोफाइटा होता है, ये मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है। नोट्स हैं ये आपके लिए, इनको नोट भी करने हैं आपको, ठीक है, पढ़ने के बाद। अब देखिए क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, कौन से टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, और क्या विद वस्कुलर टिश्यू, और ये इनका टिश्यू कैसे होता है, वस्कुलर टिश्यू होते हैं। वस्कुलर टिश्यू में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम होती हैं, ये होते हैं, ये पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है, काइकेटोफाइटा के अंदर, ठीक है। और इनकी बॉडी कैसी होती है, उसके अंदर देखो रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है। जो स्टेम होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है और वुडी होती है, ठीक है। और जो लीव्स है इनकी क्या होती है, लार्ज होती है और क्या है फर्न लाइक होती है, फर्न की तरह होती है, कुछ यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, ठीक है। और देखो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, साइकस हो जाएगा और आपका हो जाएगा काइकस हो जाएगा और होगा जामिया, ठीक है, जामिया हो जाएगा, जामिया इस्लामिया, जामिया यूनिवर्सिटी का नाम याद आ गया मेरे को तो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब क्या देखो कॉनिडो कॉनिफेरोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये मल्टी सेल्युलर प्लांट होता है, क्या होता है ये मल्टी सेल्युलर प्लांट होता है, और क्या वेल डिवेलप्ड टिश्यू होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं अच्छे तरीके से डिवेलप्ड टिश्यू होते हैं इसके अंदर। और इसकी देखो बॉडी कैसी होती है यार, सिंपल देखो कितने आसान से नोट्स बना रखे हैं, आपको यूं याद हो जाएगा, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बोलो। देखो इसकी भी बॉडी सेम है, इसकी भी सेम है, लार्ज और वुडी है इसकी, ठीक है, नहीं इसकी बॉडी सेम नहीं है, मतलब कि ये इसमें रूट रूट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लार्ज और वुडी होती है इसकी बॉडी, और लीव्स कैसी होती है इसकी, स्मॉलर देन काइकेटोफाइटा, मतलब काइकेटोफाइटा से छोटी लीव्स होती है, ठीक है, और निडल की तरह होती हैं, कैसी होती हैं, निडल की तरह होती हैं। और इसके एग्जाम्पल्स कौन से आएंगे, सेड्रस हो गया और टैक्सस हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने आगे के पोर्शन की, तो मैं आपको समझाता हूँ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, देखो एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोफाइटा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एंथ्रोफाइटा भी बोलते हैं और एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या होता है, देखो इनके पास वस्कुलर टिश्यू होते हैं, और इनकी इसकी जो नॉन स्पीसीज होती है ना, मतलब कि ये कितनी स्पीसीज हैंगी जो जानी गई है, मतलब कि हम जानते हैं जिसके बारे में, वो है 2000 स्पीसीज, देख लो कितनी सारी जगह है, मतलब कितनी सारी स्पीसीज हैंगी। और देखो इसकी बॉडी हो जाएगी आपकी रूट स्टेम और लीफ की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑकर इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस, ये सभी ऑल प्लेसेस में होते हैं। अच्छा मुझे बताइए जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते वो कौन से स्पीसी, कौन से वाले प्लांटे होते हैं, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे सनफ्लावर, ऑर्चिड्स और पिचर प्लांट्स, पिचर प्लांट्स के बारे में भी आप जानते होंगे, इसके बारे में भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है चैप्टर, तो बने रहिए, अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। और जब अगर लंबा हो रहा है ज़्यादा तो आप क्या कीजिए,
सिंपली पानी भी लेकर के बैठो यार, है ना। और देखो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके क्या है, फ्लावर और सीड्स हो जाते हैं, एनक्लोज्ड इन ओवरी, ओवरी के अंदर एनक्लोज होते हैं ये, ठीक है। फ्लावर और सीड्स हो जाएंगे इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके, एंजियोस्पर्म के, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा मुझे जल्दी बताओ एनजीओ का मतलब क्या होता है, सॉरी एनजी का मतलब क्या होता है, एनजी का जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, एनजी का मतलब क्या होता है। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका एज ग्रुप, एज ग्रुप के हिसाब से कैसे हैं, देखो जो पैनियल्स होते हैं, जो पैनियल्स होते हैं वो कहते हैं लिविंग फोर्स फॉर मैनी ईयर्स, पैनियल्स मतलब कि लिविंग फोर्स फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स के लिए ये लिव करते हैं। एनुअल मतलब जो एक साल तक रहते हैं, और बिनियल होते हैं आपके जो दो साल तक रहते हैं, ठीक है। बिनियल्स होते हैं जो दो साल तक रहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले पोर्शन की, मैं आपको समझाता हूं। जो एंजियोस्पर्म है आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, एंजियोस्पर्म है जो टू क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला वाला क्लास है उसका डिकोटिलीडंस, ठीक है, डिकोटिलीडंस है, और दूसरा है आपका मोनोकोटिलीडंस, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो मोनो को आप मतलब जानते हैं सिंगल, तो इससे याद रखना, ठीक है। डिकोटिलीडंस क्या होते हैं, ये टू कोटिलीडंस होते हैं इनके अंदर। अब बात आती है बेटा कोटिलीडंस क्या होते हैं, कोटिलीडंस समझो बड़े ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए ना तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, बस लाइक करनी है आपको, क्या करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो कोटिलीडन का मतलब होता है हैविंग प्लांट इनसाइड सीड, आपने बीज देखा है, सीड जो होते हैं ना, मतलब मान लो कुछ इस टाइप का ये सीड है ना, आम का सीड देखा है, यहाँ पर एक प्लांट टाइप होता है ऐसे करके, ठीक है, छोटा सा प्लांट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोटिलीडन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा एम्ब्रियो, तो इस चीज को समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अब देखो क्या, लीव प्रोवाइड फूड फॉर न्यू सीडिंग, मतलब क्या है, जो इसमें क्या होता है, जो डिकोटिलीडन्स होता है इसके अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती है ना वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है फूड किसके लिए, न्यू सीडिंग के लिए, ताकि नया बीज बन सके। ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल है इसका ग्राम, आपने देखा होगा कि आम का जो बीज होता है, आम का बीज कह रहा हूँ, आम की गुठली होती है, उसको जब उगाते हैं छोटा सा उसके अंदर क्या होता है, एक पौधा सा होता है, ठीक है। और क्या मोनोकोटिलीडन में क्या होता है, वन कोटिलीडन, एक्चुअली जो आम का बीज है इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। देखो मोनोकोटिलीडन क्या हो गया, मतलब कि एक कोटिलीडन होगा इसके अंदर, समझ में आया आपको। कोटिलीडन क्या होता है, अब क्या नो सेकेंडरी ग्रोथ, इसकी कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, और इसका फीचर क्या होता है, फ्लावर पार्ट इन ट्री, ट्री के अंदर क्या होता है, फ्लारिंग पार्ट होता है, ये आपको समझ रखना, ध्यान रखना है आपको। मोनोकोटिलीडन में फ्लारिंग पार्ट होता है ट्री के अंदर, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, किंगडम प्लांटाइज समाप्त होता है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप क्या करो, इसको नोट करो, और यार सच में वीडियो को तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ही करो, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और आपके कॉमेंट्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, और मैं वीडियो बनाने के लिए इच्छुक होता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए आइए इसको करते हैं। क्या है देखो, टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से होते हैं, जो ग्रो ऑन सॉइल, मतलब कि ग्रो इन सोइल, सोइल पर ग्रो करते हैं जो, ठीक है। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट होते हैं जो पानी के अंदर, पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, पानी, और ये फाइट का मतलब होता है प्लांट, यहीं से ही आप समझ सकते हैं। और क्या, एपीफाइट, हाँ एपीफाइट, एपीफाइट क्या होते हैं, देखो पर्च ऑन प्लांट, ये क्या होते हैं, प्लांट पे तो चढ़ते हैं, प्लांट पर रहते हैं, लेकिन उनसे कोई भी नरिशमेंट नहीं लेते। जैसे कस्किटा क्या करता है, उनके ऊपर रहता भी है और उनसे नरिशमेंट भी लेता है, लेकिन ये नहीं करते, ठीक है, एपीफाइट जो होते हैं, और इसके पास कोई रूट नहीं होती। अब देखिए क्या होता है, जीरो फाइट, फाइट का मतलब प्लांट होता है, जीरो का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जीरो का मतलब होता है सूखा, ड्राई, ग्रो इन ड्राई, जैसे कि कैक्टी का प्लांट हो गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लिखते रहो लिखते रहो, और बेटा अभी है ना कॉपी पेन लेकर के बैठो। अब क्या देखो, मीसोफाइट, मीसोफाइट क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो ज्यादा बहुत ही किसमें, वेरी बहुत ही ज्यादा गीले में और बहुत ही ज्यादा सूखे में पाए जाते हैं ना, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि बीन्स का, टोमेटो का, और पीस का, ठीक है, ये समझ में आ गया। पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइटिक आपको पता है, जैसे कस्क्यूटा जो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हम पैरासाइटिक बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एनर्जी बनाए रखें। बस लास्ट रह रहा है, लास्ट बिल्कुल ये वाला। अब क्या देखो, कार्निवोर प्लांट कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरियस होते हैं, जो इंसेक्ट पर डिपेंडेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका पिचर प्लांट हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, वो आपको बताना है कि
अगर हमें किसी भी काम में एक्सपर्ट बनना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, किसी भी काम में एक्सपर्ट बनना है आपको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, यही आपका मोटिवेशन होगा जो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और मेरा दूसरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। आप मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।